हेलो एवरीवन। तो आज की जो क्लास है, आज की जो वीडियो है, उसमें हम बात करने वाले हैं लॉगरिदम के बारे में कि लॉगरिदम क्या होता है और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है, वो सब कुछ हम करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे इसकी एक्सरसाइज के। तो पहले हम लॉगरिदम समझ लेते हैं कि लॉगरिदम होता क्या है। कहते हैं इफ़ ए इज़ एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट वन। ये जो चीज़ें हैं ना, ये बेसिक्स में बड़े ध्यान रखना, क्योंकि एम सी क्यूज़ में ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं कि यहाँ पर ए क्या है। ए इज़ एनी पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट वन, एन इज़ एनी रैशनल नंबर एंड ए रेज टू पावर एन इक्वल्स टू बी, देन एन इज कॉल्ड लॉगरिदम ऑफ बी टू द बेस ए। तो ये जो एन होता है, इसको हम बोलते हैं कि लॉगरिदम ऑफ बी टू द बेस ए, एंड इट इज़ रिटन एज लाइक दिस, लॉग बी टू द बेस ए। तो ये जो हमने यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है ए रेज टू पावर एन, हमने यहाँ पर लिखा है इसको ए रेज टू पावर एन इक्वल्स टू बी। इसको जब हम लॉगरिदम फॉर्म में लिखते हैं तो किस तरह से लिखा जाता है कि log ऑफ b, और यहाँ पर जो बेस होता है वो बेस रहेगा, इज इक्वल्स टू n। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये इसकी लॉगरिदम फॉर्म है। तो दोनों फॉर्म से आप एक्सपोनेंशियल से लॉगरिदम बना सकते हो और लॉगरिदम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ए एन इक्वल्स टू बी इज कॉल द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वो जो मैं अभी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और log b टू द बेस a इक्वल्स टू n इज कॉल्ड लॉगरिदम फॉर्म। जैसे यहाँ पर लिखा 5 की पावर 4 इक्वल्स टू 625। अब 5 की पावर 4 इक्वल्स टू 625 है, तो इसका मतलब इसको जब आप लॉग में लिखोगे तो यहाँ पर जो बेस है ना, वो ही बेस रहेगा हमारा। लॉग बेस में 5 आ गया, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, 625 इक्वल्स टू जो पावर होती है वो इधर आ जाएगी, मतलब लॉग ऑफ 625 टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू 4। इसी तरीके से आप ये कह सकते हो 7 रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1, इसको जब आप लॉग में लिखोगे तो लॉग 1 टू द बेस 7 इज इक्वल्स टू 0। यानी यहाँ से एक चीज़ आपको और क्लियर हो जाती है कि जब आप लॉग की जो वैल्यू आप लोगे, लॉग की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, चाहे इसका बेस कुछ भी है, चाहे बेस 7 है, चाहे बेस 8 है, या बेस ए है, या बेस एक्स है, इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 0 के बराबर रहेगी। और दूसरी चीज़ कि लॉग ए टू द बेस ए, यानी बेस और पावर, बेस और उसका आर्ग्यूमेंट, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। यानी अगर मैं लिखता हूँ कहीं पर लॉग ऑफ 7 टू द बेस 7, ये 1 आएगा। अगर मैं लिखता हूँ log e टू द बेस e, ये 1 आएगा। तो अगर बेस और आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट होता है और ये बेस हो गया, अगर ये दोनों हमेशा बराबर होंगे तो ये हमेशा आंसर हमारा 1 आएगा, और अगर ये 1 होगा यहाँ पर बेस में a होगा तो हमेशा आंसर इसका 0 आएगा, यानी log 1 की वैल्यू 0 के बराबर होती है। यहाँ पर कहता है कि अगर log x टू द बेस a है, यानी log x का जो बेस है वो a है, और log y का बेस है वो भी a है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो जो x और y होगा ये भी आपस में इक्वल होगा। लॉगरिदम टू द बेस 10 आर कॉल्ड द कॉमन लॉगरिदम। जब हम ऐसे लिखते हैं log ऑफ x, मान लो हम लिख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर कोई बेस नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब वो बेस होता है 10, log x टू द बेस 10, इसको हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिदम। लेकिन अगर बेस में e आ जाता है, यहाँ पर अभी नहीं लिखा, नीचे आएगा कहीं, ठीक है, बेस में अगर e होता है तो उसको बोलते हैं हम नेचुरल लॉगरिदम। इफ नो बेस इज गिवन द बेस इज ऑलवेज टेकन एज 10, फॉर एग्जांपल log 2 इक्वल्स टू log 2 टू द बेस 10, जो वहाँ चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज़ आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ। अब ये कुछ log इसके लॉ होते हैं लॉगरिदम के, जो आपको यूज़ करने हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर कहता है कि log mn टू द बेस a, यहाँ पर दो नंबर हैं, दो नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आर्ग्यूमेंट में, तो आप जब इसको अलग अलग करोगे तो अलग अलग कैसे करना है, log m प्लस log n, बेस जो है वो बेस यहाँ पर दोनों के साथ लगा देंगे, बेस कुछ नहीं लिखा तो कुछ मत लिखना, बेस कुछ लिखा हुआ है तो वो बेस लिख देना। यानी मल्टीप्लाई में अगर आपके पास ऐसे आ जाता है log m n, तो आप सिंपल ऐसे लिखो log m प्लस log n, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये लिख भी रखा है log 2 इंटू में 3 है, तो log 2 प्लस log 3, अगर ये डिवीज़न में आ जाए, ठीक है, एम एन यहाँ मल्टीप्लाई में था, ये डिवीज़न में आ जाए, बाकी सब चीज़ वैसे के वैसे ही हैं, तो ये बन जाएगा log m माइनस log n, ठीक है। जैसे log 3 अपॉन 2 है तो log 3 माइनस log 2, अगर log m की पावर n हो जाए, बेस वो ये a, यहाँ पर भी log m की पावर n है, तो जो ये पावर होती है ये आगे आ जाती है n ऑफ log m। जैसे यहाँ पर लिखा है log 2 की पावर 3, तो 3 आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 log 2। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, log a और बेस भी a है, अगर ये दोनों सेम होते हैं तो आंसर आएगा हमेशा 1।
ठीक है, जैसे log 10 10 ये आपके पास 1 आ जाएगा, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 1 हो जाएगा, ये 3 3 है तो ये भी 1 हो जाएगा। और log 1 की वैल्यू ये हमेशा 0 होगी, इसका बेस कुछ भी हो, चाहे बेस में 2 हो या बेस में 10 हो, इसका आंसर हमेशा 0 के बराबर ही रहेगा। log a टू द बेस b log b टू द बेस a इक्वल्स टू 1, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो बेस और आर्गुमेंट है ना वो दोनों आपस में एक्सचेंज हो रखे हैं। जो यहाँ पर बेस है वो यहाँ पर आर्गुमेंट है, जो यहाँ पर आर्गुमेंट है वो यहाँ पर बेस है। अगर ऐसा होता है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, यानी ऐसे लिखा है log 2 टू द बेस 3 या लिखा है log 3 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद यहाँ पर कहता है कि log a टू द बेस b log b टू द बेस c। log a यहाँ पर बेस b है, यहाँ पर बेस, यहाँ पर जो आर्गुमेंट है वो b है, तो यहाँ जो बेस और आर्गुमेंट है ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा log a और जो बेस में c था वो c आ जाएगा। यानी अगर ऐसे लिखा है क्वेश्चन log 2 टू द बेस 3 और यहाँ पर लिखा है log 3 टू द बेस 5, तो 3 3 दोनों में से ख़त्म कर दो, यहाँ पर बचेगा log 5 बेस में है तो 5 बेस में ही रहेगा और 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट 8 प्रॉपर्टी में इसमें कहता है कि log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू दिस। इसको हम बोलते हैं चेंजिंग ऑफ बेस फार्मूला, ठीक है, या बेस चेंज फार्मूला। इसमें बेस जो है उनका चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पर लिखा है इसने log a टू द बेस b, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो log a डिवाइडेड बाय log b। जो ये बेस है ना वो नीचे आ जाएगा, जो आर्गुमेंट है वो ऊपर रहेगा। अगर इसका बेस आपको कुछ लिखना है कुछ भी लिख सकते हो, दोनों का 7 7 कर दो, दोनों का 10 10 कर दो, नहीं लिख रहे हो तो 10 ऑब्वियसली अपने आप है ही है। तो अगर आप बेस कुछ बनाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं बनाना चाहते हो 10 रखना चाहते हो तो 10 रख सकते हो, लेकिन आप इसको ऐसे दोनों को अलग अलग कर सकते हो। अगर log a टू द बेस b है, इसमें आपने सिर्फ इसके बेस और आर्गुमेंट को चेंज करना है, ठीक है। यही वाली जो टर्म है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में log, जब इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो जो आर्गुमेंट और बेस है वो दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, log b टू द बेस a बन जाएगा। इफ बेस इज अंडरस्टूड बेस इज टेकन एज 10, अगर बेस कुछ नहीं दिया हुआ है तो बेस आपको 10 लेना है। log 10 की वैल्यू 1 होती है और log 1 की वैल्यू 0 होती है। log 10 की वैल्यू 1 क्यों होती है, क्योंकि log अगर 10 है तो बेस भी 10 है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। और log 1 की वैल्यू 0 क्यों होती है, ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस कर ही चुके हैं। लॉगरिदम यूजिंग बेस 10 इज कॉल्ड द कॉमन लॉगरिदम एंड लॉगरिदम यूजिंग बेस ई इज कॉल्ड द नेचुरल लॉगरिदम। अगर बेस में ई होता है तो उसको नेचुरल लॉगरिदम बोला जाता है, बेस में 10 होता है तो उसको कॉमन लॉगरिदम बोला जाता है। और ई की वैल्यू 2.33, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये। अब आती है बात लॉग टेबल की। लॉग टेबल में क्या होता है, यहाँ पर आपको वैसे क्वेश्चंस के अंदर तो लॉग टेबल की जो वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। जब हम लॉग निकालते हैं तो लॉग के अंदर दो पार्ट होते हैं, होल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट। जब भी आप लॉग वैल्यू निकालोगे तो उसके अंदर हमेशा दो पार्ट आएंगे, एक होल पार्ट आएगा और एक उसका इंटीग्रल पार्ट आएगा। जो इंटीग्रल पार्ट है उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और डेसिमल पार्ट है उसको हम बोलते हैं मेंटिसा, ठीक है। वेयर द फॉर्मर कैन बी नोन बाय द मेयर इंस्पेक्शन द लेटर हैज़ टू बी ऑब्टेंड फ्रॉम द लॉगरिदम टेबल। जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ऑब्जर्वेशन से हम फाइंड कर लेते हैं, और जो मेंटिसा होता है उसके लिए हमें टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे हम फाइंड करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक में बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका, कोई ज़्यादा थ्योरी व्योरी पर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपको दे रखा होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जैसे 37 है, अब 37 स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि एक प्लेस के बाद डेसिमल आना चाहिए, यानी 0 से लेकर 9 तक डिजिट होनी चाहिए, उसके बाद डेसिमल आना चाहिए, सॉरी 0 से 9 नहीं, 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए। तो जैसे अब यहाँ 37 था, 37 को हम लिखेंगे 3.7। अब आपने पॉइंट यहाँ पर इसको लगाया, अभी यहाँ पर 37 आप लिख रहे हो तो इसका मतलब पॉइंट लास्ट में है, तो इसको आप शिफ्ट कर रहे हो इधर, तो जितने प्लेस आपने शिफ्ट करा है उतनी यहाँ पर 10 की पावर आ जाएगी। ऐसे यहाँ 4623 है, लास्ट में डेसिमल है, इसको 3 प्लेस इधर लेके जाएंगे तो 4.623 इनटू में 10^2। तो यहाँ पर ये जो पावर आती है ना, यही कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पर 1 कैरेक्टरिस्टिक हो गया, यहाँ पर 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये 6.21 ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको दूर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 10 की पावर 0 मतलब 0 कैरेक्टरिस्टिक हो गई।
अगर डेसिमल इधर आपको दे रखा है और उसको राइट में आपको लेकर आना है, तो इसको आप इधर लाओगे तो 8.0 हो गया। तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, जब डेसिमल आप एक प्लेस राइट में लेकर आओगे तो इसका मतलब आप डिवाइड कर रहे हो, तो 10^-1 आ गई। और -1 कैरेक्टरिस्टिक हो गया, लेकिन -1 को ऐसे नहीं लिखा जाता है कैरेक्टरिस्टिक में, कैरेक्टरिस्टिक में ऐसे 1 के ऊपर बार लगा देना है आपको। 0.07 तो डेसिमल दो प्लेस इधर आएगा, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी 2 बार। उसके बाद बात ही आती है कि मेंटिसा की। मेंटिसा निकालने के लिए आपको टेबल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपको ये लॉग ऑफ 64594 निकालना है, तो आपको यहाँ पर जो ये 4 डिजिट है ना, इन 4 डिजिट को कंसीडर करना है। इसमें डेसिमल कहाँ दिया है कहाँ नहीं दिया, उसका कोई आपको मेंटिसा में देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो काम कैरेक्टरिस्टिक अपने आप बैलेंस कर लेगा, आपको सिर्फ मेंटिसा देखना है। तो इन चारों की वैल्यू को देखना है, 4594। अब कैसे देखते हैं इसको, पहले जो 4, 5 है, जो सबसे लेफ्ट वाला कॉलम होता है उसमें आप देखेंगे 4.5 वाले कॉलम में, ठीक है, 4.5 वाले कॉलम में देखेंगे। उसके ऊपर फिर 2 टेबल और बनी होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है 9, यहाँ पर 9 वाले कॉलम के सामने जो वैल्यू आएगी वो देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ 4 वाले कॉलम के सामने जो वैल्यू आएगी उसको ऐड कर देंगे इस वैल्यू के साथ। जब ऐड कर दोगे, ऐड करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आएगी 6623। तो ये इसका मेंटिसा हो गया। कैरेक्टरिस्टिक कितना था इसका, डेसिमल लास्ट में, तो 1, 2, 3। तो कैरेक्टरिस्टिक आप पहले लिख देंगे और मेंटिसा डेसिमल के बाद लिख देंगे। ऐसे ही आपको यहाँ करना है, यहाँ 4594 4594। तो और डेसिमल कहीं पर भी हो, मेंटिसा देखो सेम ही है, जो भी बात होगी वो कैरेक्टरिस्टिक अपने आप डिसाइड कर लेगा कि भाई आपको वैल्यू को कैसे रखना है। तो यहाँ पर ये 2 कैरेक्टरिस्टिक बनेगा, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 1 बनेगा, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 0 बनेगा, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक -1 बनेगा। तो यहाँ पर 1 के ऊपर बार लगाना है, 1 बार 0.6623। तो कैरेक्टरिस्टिक पहले लिखनी है और डेसिमल के बाद आपको हमेशा मेंटिसा की वैल्यू लिखनी है। उसके बाद आता है एंटी लॉग। अब लॉग का उल्टा होता है एंटी लॉग, मतलब एक हीरो है तो दूसरा एंटी हीरो है। तो आपने लॉग निकालना सीख लिया, अब उसका उल्टा करोगे तो वो एंटी लॉग बन गया। एक्स इज द लॉगरिदम ऑफ ए गिवन नंबर एन विद ए गिवन बेस, देन एन इज कॉल्ड द एंटी लॉगरिदम ऑफ एक्स टू द दैट बेस, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है लॉग एन टू द बेस ए इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पर जब आप एन की वैल्यू निकालोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे, तो इस लॉग को जब आप उधर शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा एंटी लॉग। इस लॉग को आपने इधर शिफ्ट करा, ये बना एंटी लॉग, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है लॉग 61720 की वैल्यू ये है, तो आपने एंटी लॉग ऑफ दिस निकालना है, एंटी लॉग 6170, और लॉग को इधर लेके जाओगे तो एंटी लॉग ऑफ दिस आ गया। तो इस तरीके से आपको लिखना है, और इसको भी वैल्यू होगी आपको वो टेबल से देखनी है, टेबल से देख के आपको इसकी वैल्यू लिखनी है। टेबल अगर देंगे तो, या फिर आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, अगर आप कैलकुलेटर तो अलाउड होता ही है, तो कैलकुलेटर से भी आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में कहता है कि log 6 प्लस में log 5 को किस तरह से आप एक्सप्रेस करोगे। अब यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन जब होता है तो जो आर्ग्यूमेंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 × 5 = 30 बनेगा, तो आंसर आएगा log 30। log 8 to the base 2। अब यहाँ पर जो 8 है, इस 8 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 8 को हम ब्रेक कर सकते हैं किस तरीके से, हम ऐसे लिख सकते हैं log 2 और 2^3। अब यहाँ पर जो पावर वाली प्रॉपर्टी होती है log की, उसमें क्या होता है, ये जो पावर होती है आगे शिफ्ट हो जाती है, तो ये बनेगा 3 log 2 to the base 2। अब यहाँ पर जो बेस और आर्ग्यूमेंट जब दोनों सेम होते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या बताई थी, इसकी वैल्यू बताई थी 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी 3 × 1, आंसर आ गया 3। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, log 32/4। अब यहाँ पर 32 और 4 हो रहा है डिवाइड में, तो जब डिवाइड में होता है तो लॉग की जो वैल्यू होती है उनको माइनस करके सेपरेट कर देते हैं, तो ये बनेगा log 32 - log 4। log 1 × 2 × 3, यहाँ पर तीनों मल्टीप्लाई में, जब आप इसको अलग करोगे तो मल्टीप्लाई का मतलब होगा इनको अलग करने के लिए सेपरेट करना, इनको मल्टीप्लाई मत कर देना, 3 × 2 × 1 करके 6 मत कर देना, ठीक है, यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं वो, खैर हमें। तो इसको अलग अलग करोगे तो log 1, log 2 और log 3,
ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में कहता है द वैल्यू ऑफ लॉग 0.001 टू द बेस 0.1। बेस 0.1 आपको लेना है, तो बेस 0.1 के हिसाब से वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं लॉग 0.001। अभी जो 0.001 आ रहा है ना, इसको आप इस तरह से कन्वर्ट करो कि इसके बेस में ये वाली टर्म आ जाए। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया 0.1 की पावर 4। अब 0.1 को अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू बनेगी। अब यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट और ये बेस सेम हो गया। अब आप प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पर, पहले पावर वाली, पावर वाली प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो 4 है ये आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 log 0.1, और बेस में भी आ गया 0.1। जब बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम होते हैं तो ये वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये बन जाएगा 4 × 1, आंसर आ जाएगा 4। तो इसका ऑप्शन बना बी। सिक्स में कहता है कि 2 log x = 4 log 3। अब यहाँ पर अब क्या काम करो, ये जो 2 है इसको पावर में ले जाओ, क्योंकि आप ये वाला जो पार्ट है ना ये सेम होना चाहिए, तभी हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो इसको आप पावर में ले जाओ, तो ये बना आपके पास log of x². यहाँ से आप 4 को इधर ले जाओ तो ये बनेगा log 3 की पावर 4। अब यहाँ से आप log और log दोनों हटा दो, कैंसिल कर दो। अब MCQs में तो आप काटना है, काट दो, वैसे काटते नहीं है, ठीक है। तो ये कंपेयरिंग कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास, इसको आप लिख लो 3 की पावर 4 का मतलब हो गया 81, और 81 का मतलब हो गया 9 का स्क्वायर हो गया, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 9। तो 6 का ऑप्शन बना बी। सेवन्थ क्वेश्चन में कहता है log 64 to the base √2। तो यहाँ पर ये √2 है तो इसको भी √2 में ले आओ। अब √2 में कैसे लाएंगे इसे, 64 का मतलब होता है 2 की पावर 6, लेकिन अगर आप रूट में करोगे तो ये बनेगा √2। अब ये दोनों सेम हो गया आपके पास, 12 को आगे लाओ तो 12 log √2, और बेस में भी √2, ये 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 12। सेम ऐसे यहां पर करो, 1728 को लाओ 2√3, इस ये वाला बेस बनाओ। अब 1728 होता है 12 का क्यूब होता है। अब 12 को आप कैसे लिखोगे, हमें बेस ये चाहिए, ठीक है। जो 12 का क्यूब होता है, 12 के क्यूब को अगर हम ऐसे लिख दें 2 × √3 का स्क्वायर, 12 को लिखा हमने 2√3 का स्क्वायर, फिर इसकी होल पावर 3 है, तो यानी ये बन गया 2√3 की पावर 6। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं log 2√3, और ये जो 1728 है इसकी जगह हमने लिख लिया 2√3 की पावर 6। 6 को आगे लाओ log 2√3, यहाँ भी 2√3, तो ये बन जाएगा 1, आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, अगर 1/81 to the base 9, आपको वैल्यू निकालनी है log 1/81 to the base 9। अब यहाँ पर बेस 9 है तो इसको भी आप बेस 9 में करोगे कन्वर्ट। अब बेस 9 में कैसे कर लेते हैं, जो 1/81 है इसको हम लिख लेते हैं 1/9 का स्क्वायर, लेकिन बेस हमें 9 चाहिए, 1/9 नहीं चाहिए, तो इस 9 को ऊपर ले जाओ, तो ये बन जाएगा log 9 और 9 की पावर -2। अब इस -2 को आगे ले आओ आप, तो -2 log 9 to the base 9, यहाँ पर ये 1 हो गया, आंसर आ गया -2। तो ये बन गया आपके पास 9th का सी। 10th में देखो, 10th में कहता है कि log 0.0625 to the base 2। log 0.0625 to the base 2। अब यहाँ पर ये जो 0.625 है ये तो 5 का कुछ स्क्वायर करेंगे तब बनेगा, लेकिन हमें तो बेस चाहिए 2, तो हम इसको इसका डेसिमल हटा लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 625/1000, 10,000। 25 से काटते हैं, फिर 25 से काटते हैं, तो ये आएगा आपके पास log
बेस में 2 और 1 अपॉन 16। अब जो 1 अपॉन 16 है इसको आप ऐसे लिख सकते हो log 1 अपॉन 2 की पावर 4, लेकिन जो बेस है वो हमें 2 चाहिए, 1 अपॉन 2 नहीं चाहिए, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था ऊपर ले जाओ, तो ये बन जाएगा log 2 और 2 की पावर -4, -4 को आगे लाओ, आंसर आ गया -4। तो इसमें ऑप्शन में -4 तो है ही नहीं, तो इसका टेंथ का ऑप्शन बनेगा फिर डी। इलेवेंथ का देखो, इलेवेंथ में log 2 की वैल्यू ये है, log 3 की वैल्यू ये है, log 6 की वैल्यू निकालनी है। तो log 6 का मतलब क्या हुआ, log 6 को मैंने लिख दिया ऐसे log 2 इंटू में log 3। अब log सॉरी ऐसे नहीं लिख सकते, log log अलग नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे लिखा हमने log 2 इंटू में 3। अब इसमें log की प्रॉपर्टी लगाई, इसको अलग अलग कर दिया log 2 प्लस में log 3। log 2 की वैल्यू आपके पास है 0.3010, log 3 की 0.4771, दोनों को ऐड कर दो, 1 7 प्लस 1 8, फिर 7 और 7, तो ये आ गया 0.7781, यानी ऑप्शन बना आपका इसमें सी। ट्वेल्थ में कहता है कि द वैल्यू ऑफ log 2 log 2 log 2 और 16 log 2 log 2 log 2 चले जा रहा है और इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले वाला log 2 ऐसे रहने दो, दूसरा भी ऐसे रहने दो, ये जो लास्ट वाला log 2 है इसमें जो 16 को लिख लो 2 की पावर 4। अब ये जो 4 है ये आ गया, इसके आगे आएगा, पूरे के आगे नहीं, ठीक है, सिर्फ लास्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं, 4 इधर आएगा, तो ये कैसे बना, log 2 log 2 यहाँ पर आया 4 log 2 2। अब ये log 2 बेस में और यहाँ पर, तो ये तो 1 हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, log 2 log 2 और साथ में आ गया 4। अब इस 4 को ऐसे कर दो आप 2 की पावर 2, अब ये वाली पावर ये फिर आगे ले आओ आप, अब ये log 2 2 ये 1 हो गया, ये भी log 2 2 ये भी 1 हो गया, तो आंसर आ गया 1। तो 12th का आंसर आया सी। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, 13 में कहता था वैल्यू ऑफ log 1/3 टू द बेस 9, तो हमें वैल्यू निकालनी है log 1/3 टू द बेस 9। अब यहाँ बेस 9 है तो इसको भी 9 में बनाना पड़ेगा, अब 3 को 9 के बेस में कैसे बनाएंगे, 9 के बेस में बनाने के लिए इसका स्क्वायर रूट कर दो, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 तो आता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो log 9 और 1/3 की जगह लिख सकते हो 9 की पावर 1/2। अब इस 9 को ऊपर ले जाओ तो ये बन गया log 9 और 9 की पावर -1/2। अब -1/2 को आप आगे लाओ, ये 1 हो गया, आंसर आ गया -1/2, तो 13 का ऑप्शन बना ए। उसके बाद चलते हैं 14 पे, 14 में कहता है कि log x प्लस log y इक्वल्स टू log x प्लस y, तो y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये आपको दे रखा है और पूछ रहा है कि y को मैं क्या एस किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो log की प्रॉपर्टी होती है वो अगर हम लगाएं तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ एक्स वाई, और राइट हैंड साइड में है log ऑफ एक्स प्लस वाई, तो ये log log दोनों तरफ से ख़त्म, एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब इसने वैल्यू पूछी हमसे y की, तो y वाली टर्म्स को एक तरफ करते हैं, इस y को इधर ले आते हैं, तो ये बन गया एक्स वाई माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स, यहाँ से y कॉमन निकालो x माइनस वन, और y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो आ जाएगी x अपॉन x माइनस वन, यानी इसका ऑप्शन बनेगा आपका c। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, में कहता है कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारे पास log 2 ये वाला आ गया, फिर log 2 ये आ गया, फिर log 3। अब यहाँ से स्टार्ट करो, ये जो 27 है 27 को आप लिख लो 3 की पावर 3। अब यहाँ पर ऑलरेडी एक पावर है,
तो 3 की पावर 3 फिर उसकी पावर 3 दे रखा है, मतलब 3 की पावर 9 हो गया। तो इसको आप लिख लेंगे 3 की पावर 9। अब पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो, log 2, अच्छा एक बार और यहां पर log 3 आएगा, ये log 2 हो गया, ये log 2 हो गया, ये log 3 हो गया, और ये वाला जो log 3 है इसको लिखेंगे हम 3 की पावर 9। अब ये 9 आगे आएगा आपके पास, 9 log 3 एंड 3। अब यहां से जो 3 सेम हो गया तो ये 1 हो गया, यहां पर रह गया सिर्फ 9। यहां पर रह गया 9, और 9 को हम लिख लेंगे, 9 को क्या लिखेंगे हम, 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2। यह आया 3 की पावर 2, फिर ये पावर आगे आ जाएगी, यहां 2 आ गया और इधर आ गया log 3, यहां भी आ गया 3। अब यहां पर log 2 और यहां पर भी 2 है तो ये 1 हो जाएगा, यहां भी ये 3 और 3 है ये भी 1 हो गया, तो ये बन गया हमारे पास log 2 और यहां आ गया 1। और log 1 की वैल्यू 0 के बराबर होती है चाहे बेस कुछ भी हो, यानी आंसर बनेगा इसमें हमारा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 16th पे। इसमें आपको जो बेस है ना सबका अलग-अलग है, यहां 2 है, यहां 4 है, यहां 16 है, तो बेस जब तक सेम नहीं होगा तब तक हम उसको प्लस माइनस कर नहीं सकते, तो हमें यहां पर बेस सेम कर लेना चाहिए। अब बेस सेम कैसे करेंगे, हम बेस सेम कैसे कर सकते हैं, यहां पर आर्गुमेंट तीनों का सेम है तो आप ऐसा करो इनका रेसिप्रोकल कर लो। जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो यहां पर बेस और आर्गुमेंट दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, यहां x आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा, ऐसे यहां पर अगली वाली टर्म में भी ऐसे ही करते हैं। तो ये 1 अपॉन में log, बेस में x आ गया, यहां 4 आ गया, 1 अपॉन log, यहां पर ये आ गया, यहां 16 आ गया। अब जो सेकंड वाली टर्म है इसको आप लिख लो ऐसे log x 2 का स्क्वायर, और जो ये लास्ट वाली टर्म है इसमें लिखो आप 2 की पावर 4। अब ये 2 आगे लाएंगे, यहां पर 4 आगे ले आओ, और ये जो log वाला पार्ट है ना तीनों में देखो सेम आ गया, तो इसको तो आप निकाल दो कॉमन, तो कॉमन निकल के आ गया 1 अपॉन में log, x इधर आ गया, 2 इधर आ गया, इधर 1, इधर 1/2 और इधर 1/4। अब इसको वापस ऊपर ले जाओगे तो फिर से क्या होगा, बेस ये बन जाएगा और आर्गुमेंट ही आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम आएगा 4, यहां पर आ गया 2, यहां पर आ गया 1, तो इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां 7 आएगा, 7 इन ये 3 पे कैंसिल हो गया, तो log 2x ये हमारे पास कैसे बना, log बेस में 2 यहां पर x equals to 3। तो इसको आप जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करोगे तो 2 की पावर 3 equals to x, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 8, तो इसका ऑप्शन बनेगा हमारा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास ये, यहां कहता है कि log 2 बेस में 10 है इसकी वैल्यू x है, log 3 बेस में 10 है इसकी वैल्यू y है, द वैल्यू ऑफ log 60 टू द बेस 10, इसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहां से आप वैल्यू निकाल लो, अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये क्या बनेगा भाई, 10 की पावर x equals to 2, यहां से बनेगा 10 की पावर y equals to 3। अब यहां पर ये कह रहा है कि log 60 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, log 60 टू द बेस 10, तो ये जो बेस 10 है इसको तो आप बेशक लिखो या ना भी लिखो तो भी कोई बात नहीं, तो हम इसको 60 को लिख लेते हैं हम 15, 4 जा 60 हो गया, तो उसके हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने पर हमारे पास क्या आएगा, हम इसको मतलब ऐसे लिख लेते हैं log 6 into में 10। अभी जो log 6 है
इसको अलग कर दो और log 10 है इसको अलग कर दो। अब log 6 के अंदर आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, log 6 की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर ये log 2 और log 3 है, इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें इनको प्लस करके, हम ये वाला कंसेप्ट यूज़ ना करके हम क्या करते हैं इनको प्लस कर लेते हैं, क्योंकि जब आप इसको ब्रेक करोगे ना ऐसे log 6 को, log 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं log 3 इंटू में 2, log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं log 3 प्लस में log 2, और log 3 की वैल्यू आपके पास है y, इसकी वैल्यू है x और ये है प्लस 1, तो आंसर आएगा x प्लस वाई प्लस 1 एंड ये ऑप्शन बनेगा 17 का बी। 18th क्वेश्चन में यहाँ पर कहता है गिवन दैट, ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ये log 2 है, ये log 3 है, ये log 1.2 है, तो log 1.2 को आप तोड़ लेना log 12 इंटू में 10, 12 और 10 को 12 इंटू में 10 नहीं और 12 डिवाइडेड बाय 10 करना, क्योंकि यहाँ पर 1.2 है, log 12 डिवाइडेड बाय 10। अब आप इसको अलग अलग करोगे तो ये बन जाएगा ऐसे log 12 माइनस log 10। अब log 12 को आप ब्रेक करो, ये आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू में 3 और log 10 की वैल्यू तो होगी 1। अब यहाँ से आप इसको अलग अलग करोगे, log 2 का स्क्वायर प्लस log 3 माइनस 1, ये 2 आगे आ जाएगा, अब देखो log 2 की वैल्यू आपको दे रखी थी x, तो ये बन जाएगा 2x, इसकी वैल्यू y माइनस 1, तो 2x प्लस में y माइनस 1 यानी ऑप्शन बना इसका c। 19th क्वेश्चन में log x की वैल्यू ये है, log y की वैल्यू ये है और आपको log उसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये क्वेश्चन में बिल्कुल सेम इसी तरीके से ही प्रोसीड होगा जैसे अभी हमने करा, जो log आपको ये दिया हुआ है 10x अपॉन में y स्क्वायर, तो आप इसको अलग अलग करो पहले ऐसे log 10x माइनस log y स्क्वायर, अब इस log 10x में अब इसको हम ऐसे कर देते हैं log 10 प्लस में log x और इसको कर देते हैं 2 log y, log 10 की वैल्यू 1, log x की वैल्यू m प्लस n माइनस 2 इंटू log y की वैल्यू m माइनस n, एम प्लस एन माइनस टू एम प्लस में टू एम, एम और माइनस टू एम माइनस एम आ जाएगा और ये थ्री एन आ गया, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, वन माइनस एम प्लस थ्री एन, वन माइनस एम प्लस थ्री एन 19 का ऑप्शन बना ए। तो सिमिलर से क्वेश्चन है ये तीनों के तीनों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, इसकी आपको सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पर है 2 log 10, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 8, तो अब यहाँ क्या करो 5 और 8 क्योंकि बेस यहाँ पर दोनों का सेम है, तो इस 2 को पहले इधर लेके जाओ, तो बेस यहाँ पर 10 है तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो बार बार मत लिखो, ये आ गया आपके पास log 8, यहाँ से जो 1 बाई 10 है ये इधर ले जाओ 4 की पावर 1/2, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा log 25, ये तो log 80 है और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आएगा log 2। अब इन सबको तीनों को कंबाइन करो, कंबाइन कैसे करेंगे, जो प्लस में वैल्यू है वो तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी ऊपर 25 इंटू 8, जो डिवाइड वाली वैल्यू है वो और माइनस वाली वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी, तो ये बनेगा log 100 और log 100 की वैल्यू होती है 2, तो ऑप्शन आएगा इसका सी। 1 माइनस 1 माइनस ये सारा दे रखा है इसकी वैल्यू, अब यहाँ जो ब्रैकेट है ना आप एक एक करके सॉल्व करते रहो, पहले दिया हुआ है log 1 माइनस 1 माइनस, अब इसकी जो ब्रैकेट है इसकी पावर माइनस 1 है, तो इसकी पावर को आप पहले प्लस करोगे तो यानी रेसिप्रोकल करके हमने इसको कर दिया प्लस, और फिर इसकी होल पावर ये माइनस 1 है, अभी हमने ये वाली पावर सॉल्व करी है, माइनस 1 था उसको रेसिप्रोकल करा तो उसकी पावर प्लस 1 होगी, फिर ये पावर माइनस 1, फिर होल पावर इसकी माइनस 1/2।
अब इसको आप सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट के अंदर जो बना इसका एलसीएम आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, वन से वन कैंसिल, ये बना आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ वन माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस वन, फिर होल पावर माइनस वन बाय टू। अब यहाँ पर ये जो पावर माइनस वन है ना, अब इसको सॉल्व करो, इसको फिर से रेसिप्रोकल कर दो, तो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया और नीचे माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये पावर माइनस वन खत्म, होल पावर ये रहेगी। अब यहाँ माइनस है और एक माइनस ये है, तो ये बन जाएगा प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लो, एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल, अब ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसकी पावर माइनस वन बाई टू है, तो फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये बन गया लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में वन, इसकी पावर वन बाय टू। अब पावर की पावर कैंसिल हो जाएगी, ये बनेगा आपके पास लॉग एक्स, तो आंसर बना इसमें बी। 22nd क्वेश्चन में अब यहाँ पर भी आपको सिंप्लीफाइड वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक एक करके, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं ना, एक एक करके आप सॉल्व करते रहो पीछे से, तो आपके पास ये जो फोर्थ रूट है इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देखो, ये जो 27 की पावर माइनस 4 बाई 3 है, इसको सॉल्व कर दो, 729, फिर अंदर क्यूब रूट है, 9 की पावर माइनस 1 का मतलब हो गया 1 अपॉन 9, इसकी पावर भी माइनस में है, तो ये हो गया 1 अपॉन 27 की पावर 4 बाई 3, अब ये हो गया 1 अपॉन 9 और 27 को आप लिख लो 3 की पावर 3, फिर इसकी होल पावर 4 बाई 3 है, तो इस 3 से 3 कैंसिल, और ये जो 9 था ना, 9 को भी आप ऐसे लिख लो 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 4, ये बन गया 3 की पावर 6। अब जब आप इसका ये हटाओगे क्यूब रूट, तो ये क्यूब रूट क्या होगा, पावर इसकी 1 बाई 3 बन जाएगी, तो 1 अपॉन 3 की पावर 6 की पावर 1 बाई 3। अब पावर से पावर जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो ये 3 की पावर 2 बनेगा, और 729 को 3 की पावर में अगर हम लिखेंगे, तो ये बनेगा आपके पास 3 की पावर 6, ये आ जाएगा 3 की पावर 2। जब आप इसकी पावर ये करोगे, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी, 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर दोनों डिवाइड में है, पावर माइनस कर दो, 3 की पावर आएगी 4, अब इसका फोर्थ रूट आप हटाओगे, ये पावर में जाएगा, तो 3 की पावर 4 की पावर 1 बाय 4 आ जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास लॉग 3, यानी 22nd का ऑप्शन बनेगा हमारे पास ए। 23rd क्वेश्चन देखो, यहाँ log a टू द बेस b है, log b टू द बेस c है, log c टू द बेस a है, और उसकी होल पावर है 3, तो अब यहाँ पर क्या करो, चेंज ऑफ बेस फार्मूला लगा दो, तो ये बनेगा आपके पास log a अपॉन log b, ये बनेगा log b अपॉन log c, और ये बनेगा log c अपॉन log a, इसकी होल पावर 3 है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल, 1 की पावर 3, आंसर आ गया 1, तो इसका ऑप्शन बना सी। द लॉगरिथम ऑफ 64 टू द बेस 2 रूट 2, तो आपको लॉग 64 फाइंड करना है और बेस है हमारा 2 रूट 2, तो जो ये जैसा बेस है वैसे आर्ग्यूमेंट बना लो, तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 64 को अगर हम लिखें तो वैसे तो ये बनेगा आपके पास 8 का स्क्वायर, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 का स्क्वायर, और फिर इसकी होल पावर 2,
ठीक है, 2 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 8 बनेगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तो 64 को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर log 2 रूट 2, 64 की जगह लिख दो 2 रूट 2 की पावर 4, 4 को आगे ले आओ। अब बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों इसके सेम आ गए, तो ये 1 आ गया, आंसर आ गया 4। अब 4 तो इसमें ऑप्शन में है नहीं हमारे पास, तो 24 का ऑप्शन बनेगा डी। 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इसमें कहता था वैल्यू ऑफ लॉग 25 टू द बेस 8 गिवन लॉग 2 टू द बेस 10। तो आपको लॉग 2 की वैल्यू दी हुई है इसने, लेकिन आपको वैल्यू इसकी निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोशिश करते हैं कि इसका जो लॉग है ना वो 2 में आ जाए, ताकि हम उसकी वैल्यू पुट कर सकें। तो लॉग 25 टू द बेस 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, चेंज ऑफ बेस फार्मूला आगे लॉग 25 अपॉन में लॉग 8। 25 को हम लिख लेते हैं, अगर मैं 5 की पावर 2 लिख लूँगा तो यहाँ पर 5 आएगा, उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको 25 को हम ऐसे लिख लेते हैं log 25 into 4 divided by 4, ठीक है। और log 8 है, इसको हम लिख लेते हैं log 2 की पावर 3। तो ऊपर तो यहाँ 100 आ गया, नीचे 4 आ गया, तो ये ऐसे बन गया log 100 अपॉन में 4। 4 को भी हम 2 की पावर 2 ऐसे लिख लेते हैं, नीचे log 2 की पावर 3 है। अब ऊपर log की प्रॉपर्टी लगाओ, ये दोनों डिवीज़न में है तो आप इन दोनों को अलग अलग कर सकते हो, ऐसे log 100 माइनस log 2 की पावर 2। अब जो पावर वाली प्रॉपर्टी है यहाँ भी लगा दो और यहाँ भी लगा दो। log 100 की वैल्यू तो हमें पता ही है 2 होती है, तो ये आ जाएगा 2 log 2 डिवाइडेड बाय 3 log 2। ऊपर से 2 कॉमन निकाल दो, 1 माइनस log 2, नीचे आ गया 3 log 2। अब log 2 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.301 तक ही ले लेते हैं, वो 0 तो लिखो या मत लिखो, 0.301 3 इंटू 0.301। 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 10 माइनस 1 9, 9 और 9 माइनस 3 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 0.301। डेसिमल यहाँ भी 3 प्लेस के बाद है, यहाँ भी 3 प्लेस के बाद है, डेसिमल का तो काम करो ख़त्म, 3 से इसको कैंसिल कर दो। अब 2 इंटू में 233 को 301 से आपको करना है डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 3 6, ये बना हमारे पास 301। अब 301 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो 1 point something आएगा, और 1 point something आपको सिर्फ सी में दिया हुआ है, तो यही आपका ऑप्शन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर और भी पॉइंट में दे रखे होते तो फिर आप इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड करके आपको पता चल जाएगा। लेकिन डिवाइड करने से पहले ऑप्शन पर नज़र ज़रूर मार लेना, जैसे यहाँ पर बिना डिवाइड करे पता चल गया कि आंसर हमारा ये आएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन इसमें दे रखे थे, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं, ठीक है। अब आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम बात करेंगे चैप्टर 2 की नेक्स्ट वीडियो में।